लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, खात्मे की ओर बढ़ रहा है, मगर राहुल गांधी अब भी मुद्दे पर बने हुए हैं। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बता रहे हैं, हमारे धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि इन्हें प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिली। अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि कोणार्क मंदिर, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, उसे प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिली। एक के बाद एक ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद को ईश्वर का दूत बताते हैं। प्रधानमंत्री मुद्दे पर आइए, जमीन पर उतरिए, धरातल पर उतरिए। दोस्तों, पुणे में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। एक बिगड़ैल अमीर ज्यादा, 17 साल की उसकी उम्र, नाबालिग, उसने अपनी गाड़ी के नीचे 2 इंजीनियर्स को कुचल डाला था। अभी तक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला। राहुल गांधी मुद्दे पर बने हुए हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ देर बाद किस तरह से चाहे भाजपा नेता हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री, अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं। मगर मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी का यह मार्मिक संदेश सुनिए जो उन्होंने पुणे वाले घटना के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से इंसाफ के 2 चेहरे होते हैं, एक गरीबों के लिए और एक धन्ना सेठों और अमीरजादों के लिए। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल गांधी, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला उबर, ऑटो ड्राइवर, अगर गलती से किसको मार देते तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे दिख लो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना लूं? सवाल ये नहीं, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय, न्याय सबके लिए एक जैसा हो, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी मुद्दे पर बने हुए हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा भगवान के तौर पर पेश किया जा रहा है। दोस्तों, याद कीजिए, संबित पात्रा की जुबान फिसली थी और संबित पात्रा ने यह तक कह दिया था कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। अब संबित पात्रा इसके लिए 3 दिन का अनशन कर रहे हैं और यह मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा उड़ीसा में बन गया है। मगर अगर आपको लग रहा था कि संबित पात्रा की जुबान फिसली है, मैं चाहूंगा कि आप सुने कि अमित शाह ने कोणार्क मंदिर के बारे में क्या कहा। वो कोणार्क मंदिर जो हमारी धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है, कई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम भारतीय जो हैं वो जाते हैं कोणार्क मंदिर, अपने आस्था के सुमन अर्पित करते हैं। मगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि कोणार्क मंदिर को प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिल रही है। क्या ये हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान नहीं है? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे, दुनिया भर के नेता, इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खींचा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस पर करारा हमला बोला है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? कल इनके प्रवक्ता ने कहा, प्रभु जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। आज अमित शाह कह रहे हैं कि कोणार्क मंदिर का सूर्य मंदिर मोदी के कारण फेमस हुआ। 1984 में ही कोणार्क मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अमित शाह, इस सवाल का जवाब दें कि आपको लगता है कि हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है? ये मोहतरमा जो कि मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कंगना रनावत, इनके मुताबिक तो देश को आजादी 2014 को मिली थी। ये लोग बार बार हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। वो अब चिन्ह, चाहे सांस्कृतिक या धार्मिक, भारत की पहचान का हिस्सा है, उनके बारे में इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं।
अब मैं आपको अमित शाह का एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु में चुनाव खत्म हो गया है, अब जाहिर सी बात है वहां इनको वोट हासिल नहीं करना है, मगर देखिए उड़ीसा की जमीन से देश के गृहमंत्री अमित शाह की भाषा, एक तमिल बाबू को उत्कल भूमि के सिर पर क्यों रख दिया, तमिल बाबू को। अब तमिलनाडु के वोट नहीं चाहिए, इसलिए उड़ीसा की जमीन पर जाकर तमिलनाडु और उससे जुड़े लोगों के बारे में यह अजीबो गरीब बयान, तमिल बाबू को उत्कल भूमि, सुनिए उनकी जुबान। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये हो क्या रहा है? हमारी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं साइना नेहवाल, मगर आजकल उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ भाजपा के चाटुकार के तौर पर हो गई। उन्होंने ये तस्वीर पेश की है दोस्तों, यहां पर वो कह रही हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मगर आप बताइए दोस्तों इसमें जगन्नाथ मंदिर कहां दिख रहा है? इसमें तो सिर्फ प्रधानमंत्री दिख रहे हैं ना। जगन्नाथ मंदिर को ब्लर कर दिया गया है, खुद इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ने ऐसा किया होता तब क्या होता बताइए? अगर राहुल गांधी ने अपनी तस्वीर डाली होती कोणार्क के मंदिर के साथ या जगन्नाथ मंदिर के साथ और उसे ब्लर कर दिया होता, उसे धुंधला कर दिया होता, यहां देखिए जगन्नाथ मंदिर को धुंधला कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बार बार हमारे धार्मिक चिन्हों का इस तरह से अपमान क्यों किया जाता है, मैं समझना चाहता हूं। और फिर प्रधानमंत्री खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं। उन्होंने न्यूज 18 को यह इंटरव्यू दिया दोस्तों, और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आप जानते हैं क्या कहा कि जब तक मेरी मां जिंदा थी तो मुझे लग रहा था कि मैं उनका बायोलॉजिकल बेटा हूं, मगर उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ईश्वर का दूत या खुद को ईश्वर का अवतार बता रहे हैं दोस्तों। उनके भक्त, उनकी पार्टी अब तक उन्हें विष्णु का, राम का अवतार बता रही थी, अब वो खुद को ईश्वर का दूत बता रहे हैं। सुनिए न्यूज 18 के इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ, गलत हो सकता हूँ, लोग जानो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जायज है, क्या ये सही है? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया है। कांग्रेस कह रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ईश्वर का दूत बताया था तो देश के ज्वलंत मुद्दे पर काउंटर सवाल आखिर क्यों नहीं किया पत्रकार ने? सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। जब मोदी जी ने बताया कि मैं ईश्वर का दूत हूं और मुझ में अंदर दैवीय शक्ति है तो मुझे लगा कि शायद पत्रकार महोदया इतनी आत्ममुग्ध हो गई ईश्वर का स्वरूप देखकर कि आगे पूछ ही नहीं पाई कि ये जो स्वरूप है आपका, इसके चलते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, इसके चलते युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं है, इसके चलते आपने आटा दही पढ़ाई दवाई पर जीएसटी क्यों लगाया है, इसके चलते कमर तोड़ महंगाई क्यों है। 18वीं लोकसभा का चुनाव बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर, किसान की बदहाली पर और मजदूर की मजबूरी पर और हाशिए पर रह रहे पिछड़े दलित आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों की लड़ाई है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। 5 चरण का मतदान हो गया और यहां पर ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर उनके भक्त बताए जाने लगे। इस ईश्वर के स्वरूप ने 21 लाख करोड़ का कर्जा किसानों पर लाद दिया, 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पर लाद दिया, महंगाई हर चीज में तिगुनी कर दी। मजाक बनाकर अगर प्रशासन को मजाक बनाकर अगर किसी ने गवर्नेंस को रखा है तो वो मोदी जी ने रखा है, और यही हिटलर करता था। हिटलर ने भी अपना एक प्रचार मंत्री हायर किया था,
वो भी रेडियो टीवी पर वैसा ही काबिज रहता था जैसे ये रहते हैं, वहां पर भी इसी तरह का चरण वंदन होता था। असलियत यह है कि जो रंगी पुती छवि थी उसका रंग उतर चुका है पूरी तरह से, और रंग उतरने के बाद आज हाल यह है कि जनता अपने विकास का हिसाब मांग रही है, जनता असलियत बयां कर रही है, जनता खड़े होकर हमारी तरफ कहते हैं चहटा रही है, दौड़ा दौड़ा के सवाल पूछ रही है और सवालों का जवाब नहीं है। तो जब सवालों का जवाब नहीं है तो आप आस्था को पर प्रहार करिएगा, आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर हमारे आराध्य इष्टों को इनका भक्त बता दीजिएगा और हम चुप रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि ना उपवास से ना माफी से इस देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदू जो प्रभु जगन्नाथ में विश्वास करते हैं, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो हम सबके आराध्य हैं, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ है और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। यह गुनाह है, यह पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे। वाकई दोस्तों, इस चुनाव में भाजपा के अगर प्रचार की बात करें तो या तो झूठ का इस्तेमाल करना या फिर नफरती बयानों का इस्तेमाल करना या इस तरह से हर गुजरते दिन के साथ ये बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है। कभी आप कन्हैया कुमार के खिलाफ हिंसा करते हैं, कभी आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोलते हैं, कभी आप देश की मुस्लिम आबादी को घुसपैठिया करार देते हैं। यह सब हो रहा है दोस्तों, तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, धर्म के नाम पर खुलकर वोट मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है, लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं पोलिंग बूथ के बाहर, मतदान को धीमा किया जा रहा है, विपक्षी आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, ना भाजपा असली मुद्दे पर है, ना चुनाव आयोग असली मुद्दों को संबोधित करना चाहता है। यह हो क्या रहा है दोस्तों? और अगर ऐसा हो रहा है और अगर 4 जून को भाजपा जीत भी गई तो इसका क्या फायदा? आपने पूरे सिस्टम को हैक करके अपने काबू में लेकर, अपने कब्जे में लेकर आप ये तमाम हरकतें करते रहे, इस जीत का क्या फायदा? जीत का फायदा तब होता है जब मुकाबला बराबरी का हो, जब रिसोर्सेस पर विपक्ष और सरकार दोनों का बराबर कब्जा हो। मगर यहां पर क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, लोग वोट देने जाते हैं तो सुरक्षाकर्मी उसकी जांच करने लगते हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ चुनाव आयोग कर सकता है। हमने देखा हैदराबाद में भाजपा की कैंडिडेट माधवी लता, जो लोग लाइन में लगे हुए थे उनका पहचान पत्र देख रही हैं, भाजपा की कैंडिडेट हैदराबाद से, निजाम से जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो चुनाव आयोग को या चुनावी अधिकारियों को धमका रहे हैं। ये सब खुला खेल फरूखाबादी हो रहा है और इसे हम निष्पक्ष चुनाव कहेंगे? इन मुद्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों, इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।